والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ايك صلوات اللهم صل على सबसे बड़ा थमरा इसका सबसे बड़ा फायदा इसका नजर आता है इस्तिंबात हुक्म में। हुक्म जो साबित होता है एक फकीह के लिए एक मुज्तहिद के लिए हुक्म साबित करने के लिए
दलील क्या चीज है? लफ्ज़ मासूम। ये कोई कहे कि मासूम ने यह पैगाम दिया है और अपने लफ्जों में कहे तो उन अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। लफ्ज़ मासूम पर जब यकीन हासिल हो जाए कि मासूम ने यह लफ्ज़ इरशाद फरमाया, वो है दलील हुक्म। तवज्जो है, दलील हुक्म लफ्ज़ मासूम है। पैगंबर ने क्या लफ्ज़ें अदा की वो अहमियत है। तो बहुत सी हदीसें हैं जो इनको तवातुर मानवी हासिल है। तवातुर मानवी ये कि हाँ हुजूर ने ये फरमाया मगर किन लफ्जों में फरमाया ये नहीं मालूम। तवज्जो है, ये वो हदीस है जो इन्हीं लफ्जों के साथ नकल हुई है। क्या अल्फाज है? मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। आप सबको याद है, बेहम्दिल्ला हमें इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई माजरत करने की जरूरत नहीं है। हमें जिस तरीके से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह याद है, जिस तरीके से कलिमा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह याद है, उसी तरह हमारे बच्चे बच्चे को ये कलिमा याद है, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। याद है ये जुमला। इसके मानी क्या है? लफ्ज़ मन आता तो है ज़विल उकूल के लिए, यानी उन अफराद के लिए जो साहिबान अक्ल हैं, इंसान के लिए, जिन के लिए, लेकिन कभी कभी इसका इतलाक तमाम मौजूदात का इहाता करता है। जिस तरह माँ, लफ्ज़ माँ अरबी का लफ्ज़ मीम अलिफ माँ, माँ यानी जो, मन यानी जो, माँ गैर ज़विल उकूल के लिए है लेकिन कभी कभी ज़विल उकूल के लिए भी आता है। तवज्जो है, इसी तरह मन ज़विल उकूल के लिए है मगर गैर ज़विल उकूल के लिए आता है। जब पैगंबर फरमा रहे हैं मन कुंतु मौला, मैं जिस जिस का मौला हूं, तो मसला सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहेगा। जहां जहां तक दायरे विलायत मुस्तफा है वहां वहां तक दायरे विलायत मुर्तजा काबिल। तवज्जो है, इसमें किसी बहुत गहरी मंतिक की जरूरत तो नहीं है, किसी फलसफे इरफान की जरूरत नहीं है। सादा ग्रामर अगर किसी को मालूम है, जबान अगर कोई समझता है, तो हुजूर क्या फरमा रहे? मन कुंत मौला, मैं जिसका मौला हूं। जहां तक पैगंबर की विलायत आम है, अब पैगंबर की विलायत कहां तक आम है इसे या मुसलमान बताएं या कुरान मजीद से दरियाफ्त करें। तारीख गवाह है कि पैगंबर का दायरे विलायत कहां तक है। पैगंबर अगर दरख्त को इशारा, विलायत के मानी क्या है? यहां पर ठहर के सुनिएगा और आप अपने अपने दिलों का जायजा भी लीजिए, यही फवाइल भी है और यही दर्स भी है। विलायत में दाखिल होने के मानी क्या होते हैं? क्या मानी? दाखिल होने के मानी क्या है? हम विलायत अमीरुल मोमिनीन में दाखिल हैं। दावा है, दलील क्या है? सिर्फ एक दलील है। नारा कभी दलील नहीं होता अजीजाने के।
दावा कभी दलील नहीं होता, दावा दावा होता है, नारा नारा होता है। दावा भी मोहताज दलील है, नारा भी मोहताज सबूत है। अमल वो होता है कि जो ना दावे की जरूरत है ना नारे की जरूरत है। किसी के विलायत में दाखिल होने के मानी है उसकी इताअत, दाखिल होने के मानी है इताअत, विलायत कबूल करने के मानी क्या है? अल्लाह की तौहीद कबूल करते हैं, आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मजाल है कि आप किसी बुत के सामने जाके सजदा करें? नहीं मुमकिन है ना। इधर आपने सजदा किया, उधर वो ला इलाहा इल्लल्लाह की विलायत से आप खारिज हो गए। इधर सजदा किया गैर खुदा को, उधर ला इलाहा इल्लल्लाह की विलायत से खारिज। इधर किसी गैर मोहम्मद को नबी माना, उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलायत से खारिज। और यहां लुत्फ ये है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलायत से खारिज हुए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की विलायत से भी खुद ब खुद खारिज। तो विलायत कबूल करने के मानी है इताअत, सिर्फ नारा नहीं। मालूम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं और बैठे हैं कहां? शिव जी की मूर्ति के सामने बैठे हैं, या गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठे हुए और सारी वो इबादतें बजा ला रहे हैं जो काफिर बजा लाते हैं, बुत परस्त, और पढ़ रहे हैं क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? ये ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल होगा? न सिर्फ ये कि कबूल नहीं होगा बल्कि मुजिबे इताब भी होगा, मुजिबे अजाब भी होगा, अजाब बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस कदर दो दो चार की तरह की बात है कि जिसमें किसी के लिए जाए बहस नहीं है। विलायत में दाखिल होने और विलायत को कबूल करने के मानी है इताअत, विलायत में दाखिल होने और विलायत को कबूल करने के मानी है अमल। तवज्जो है, इसलिए कि लफ्ज़ की यहां कोई अहमियत नहीं है, मासूम की तरफ से लफ्ज की अहमियत है, बंदे की तरफ से अमल की अहमियत है। किसी के पास जबानी ना हो, गूंगा हो, कलमा अदा कर सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकता है या आवाज निकाल सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह गूंगा है, गूंगा है। तो क्या जितने गूंगे हैं वो सब गैर मुस्लिम हैं? उनका मुसलमान इस्लाम साबित नहीं है, ईमान साबित नहीं है? बंदे की तरफ से लफ्ज की अहमियत नहीं है, हकीकत व मानी ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में आ जाए और सजदे में झुक जाए बस वो मोमिन। चाहे जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे या ना कहे, जब पूरे वजूद से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है तो फिर जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत कहां है? ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से सिर्फ उससे मतलूब है जिसके पास जबान हो और जबान आजाद हो। तवज्जो है, जबान हो, जबान आजाद हो, जबान भी मुकल्लफ हो। कल्लब के मानी समझते हैं ना, यानी अल्लाह की तरफ से तकलीफ दी गई हो कि तुम्हें यह भी कहना है। कभी कभी सिर्फ कुछ करने के लिए हुक्म दिया जाता है, कहने के लिए नहीं। रोजा हुक्म रब है या नहीं? रोजा इबादत है या नहीं?
रोजा तकाजा ला इलाहा इल्लल्लाह है या नहीं, रोजा करने की चीज है या कहने की। नियत भी तो करना जबान से शर्त नहीं। किसी तौजीहुल मसाइल में है कि ये नियत जबान से करनी है कि मैं रोजा रखता हूं वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, नहीं। कभी कभी सिर्फ करने का हुक्म होता है, कहने का नहीं। काश ये बात समझ में आ जाए, काश ये बात समझ में। जिस तरह विलायत हक सुबहानहु व तआला में कभी कुछ कहने का हुक्म है, कभी कुछ करने का हुक्म, कभी दोनों तकलीफें साथ साथ हैं। मसलन नमाज रुकू में झुकना भी है, जबान से कुछ कहना भी है। तो कभी सिर्फ कहना है, कभी सिर्फ करना है, कभी कहना भी है करना भी है। तो हर अमल हर हुक्म के अपने हुदूद हैं, अपने तकाजे हैं। तवज्जो है। जिस तरह विलायत हक सुबहानहु व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के साथ साथ तीनों तरह की तकलीफें आती हैं, कभी कुछ कहना है, कभी कुछ करना है, कभी कहना भी है करना भी है, तवज्जो है। इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के साथ साथ कभी कुछ कहना है, कभी कुछ करना है, कभी कहना भी है करना भी है। इसी तरह अली वलीउल्लाह कहने के साथ साथ, अली वलीउल्लाह सिर्फ कहना नहीं है, कहना है कहीं कहीं नहीं कहना है, जहां कहना है वहां कहना है, जहां नहीं कहना है वहां नहीं कहना है, जहां करना है वहां कह कर न टालो। जहां करने का तकाजा है वहां कुछ करके दिखाओ, जहां करने का हुक्म है वहां कुछ अमल सामने आना चाहिए। बहरहाल खुलासा इस बहस का यह है कि विलायत को कबूल करने और विलायत के दाखिल होने की पहचान सिर्फ एक है, वह है इताअत, अमल। पैगंबर की विलायत का दायरा कहां कहां तक है? दरख्त को इशारा किया, आ गया, और सिर्फ यही नहीं कि आ गया, यह रिवायत किसी और ने नहीं नकल की है, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से यह रिवायत है, और नहजुल बलागा में भी है और दूसरे मकामात पर भी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफार आए, उन्होंने हुजूर से मुअज्जज़े का तकाजा किया। हुजूर ने कहा वो सामने जो दरख्त है इसे बुलाऊं, तुम मानोगे? उनका तकाजा यही था। कहा जी हाँ। दरख्त को करीब बुलाया, इशारा किया, वो दरख्त अपनी जड़ों के साथ जमीन से, दरख्त जड़ों के साथ उखड़ के और इस तरह आगे बढ़ा जैसे कोई गुलाम आगे बढ़ा, हुजूर के सामने आके खड़ा हो गया। उसके बाद हुजूर ने कहा वहीं चले जाओ पहली हालत पर, किसी जमे जमाए पुरबारो पुर सायदार दरख्त को उखाड़ लेना तो आसान है, लेकिन फिर उसी तरह पहली शक्ल सूरत पे पहुंच जाओ, दरख्त फिर अपनी जगह वापस आया, तवज्जो है, और जैसे था पहली शक्ल में उसी शक्ल में कायम हो गया। यह है दायरे विलायत में इताअत की शान एक दरख्त की, तवज्जो है। हुजूर ने चांद को इशारा किया, दो टुकड़े हो गया। यह चांद की शान इताअत विलायत मुस्तफा में। हुजूर ने सूरज को इशारा किया और सूरज पलट आया, यह है सूरज की शान इताअत विलायत मुस्तफा में। अब मुस्तफा को सुनो, कहते मन कुन तुम मौला, मन कुन तुम मौला फहादा
अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसके अली मौला है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सूरज का मौला आज से अली है, चांद का मौला अली है, दरख का मौला अली है, जमीन आसमान विलायत अली का दाए। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह महबूद है, अल्लाह महबूद है, अल्लाह अल्लाह मां से अल्लाह, अल्लाह के बाद जो कुछ है दायरे विलायत मुस्तफा में, और जो कुछ दायरे विलायत मुस्तफा में है वो सब दायरे विलायत मुर्तजा में। और हमारे यहां ये गलती उसी दिन हो गई थी, पहले दिन नहीं समझे लोग ये नुक्ता, बखिन बखिन कहने वाले ये नुक्ता नहीं समझे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बखिन बखिन लका अपना अबी तालिब, ए अबू तालिब के फर्जंद मुबारक हो कि आज से आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात के भी मौला हो गए और मेरे भी मौला हो गए। एक बात उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात हमारी समझ में आ गई। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि दायरे विलायत अली इब्न अबी तालिब सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, इंसान जिन तमाम जबादात, तमाम नबातात, तमाम हैवानात, तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते महकूम अली इब्न अबी तालिब, यह है दायरे विलायत अली इब्न अबी तालिब। ये कोई मुबालिगा नहीं है, ये कोई शायरी नहीं है, ये नस से कौल पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन कुंत मौला फहादा अली, और इसी के साथ साथ जाहिर है कि ये तो सिर्फ एक फकरे से बात निकल आई, जब मैंने कहा कि वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा मगर हम जिसकी विलायत में हैं वक्त उसका महकूम है। चूंकि मैंने कह दिया था वक्त उसका महकूम है, तो अब ये दलील पेश करना जरूरी है, जरूरत थी कि दलील पेश करूं कि वक्त महकूम है अली है, वक्त महकूम अली है। और जब वक्त महकूम अली है, कैसे वक्त महकूम अली है ये बहस अलग है। अवलन वक्त समझिए क्या है, फिर समझिएगा कि किस तरह से वक्त महकूम अली है। इसीलिए बाज रिवायतें हैं, और हमारे एतबार से तो सही सनद रिवायतें हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लिए दो मर्तबा सूरज पलटा है, एक मर्तबा हयात पैगंबर में दुआए पैगंबर से, दूसरी मर्तबा बाद पैगंबर दुआए अमीरुल मोमिनीन। और ये दूसरी मर्तबा सूरज का पलटाना इसलिए जरूरी था ताकि ये सबूत फराहम हो जाए कि मन कुंत मौला फहादा अली मौला, दलील कायम हो जाए कि अगर पैगंबर की दुआ से सूरज पलटा था तो अली की दुआ से भी सूरज पलटा। खुदा आप हजरात को तौफीक अता फरमाए और सहूलतें और आसानियां फराहम करें कि आप इराक की ज्यारतों पर और अमन व अमान तरह से पहुंचे। वहां अब भी मस्जिद रद्दुश्शम्स मौजूद है,
जहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वादे पैगंबर सूरज पलटा था। बहरहाल बस इस जुमले पर ठहर जाइए कि वक्त महकूम अली, वक्त महकूम मुस्तफा है। बस इस पर अब मैं गुफ्तगू इसी जुमले पे खत्म कर दूंगा। अगरचे मैंने वो आयत तिलावत की आपके सामने जो अजीम शान आयत है, खुलासे पैगाम खत्म नबुवत आयत है। रोजे गदीर को आप ईद जानते हैं ना, ये कोई मामूली ईद नहीं है, इस्लाम की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर। ईद फितर की हैसियत इसके सामने कुछ नहीं, ईद कुर्बान की हैसियत इसके सामने कुछ नहीं, इस्लाम की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। इस पर नस इमाम जाफर सादिक नस मासूम के बाद किसी की शहादत और गवाही और ताईद की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक रिवायत है, वो भी आपकी समाअतों तक पहुंचा दूं और आगे बढ़ूं। वो रिवायत यह है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पहले जिन हजरात ने मुसलमानों पे हुकूमतें की, उनमें से एक साहब के जमाने में गालिबन वही हैं जिन्होंने बख़िन बख़िन फरमाया था। उनके जमाने में एक साहब आए जो अहले तौरात में से थे, और ये रिवायत सिर्फ शिया कुतुब में नहीं है बल्कि कुतुब अहले सुन्नत में भी है। ये रिवायत जो मैं सुना रहा हूँ कुतुब अहले सुन्नत, उस आने वाले अहले किताब ने कहा कि ये आयत अगर हमारे दीन में नाजिल हुई होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती उस दिन को हम खुदा की कसम ईद मनाते। क्या तुम्हें मालूम है कि ये आयत कब नाजिल हुई थी? अब इस सवाल तक तो तमाम रिवायतें यक जबान हैं। इसके बाद रावियों में इख्तिलाफ हो गया कि जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया। एक रिवायत ये है कि जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि नहीं, हमें नहीं मालूम कब आयत नाज़िल हुई थी। एक ने कहा हाँ हाँ हमें मालूम है ये कब नाज़िल हुई थी और हम पहले से उस दिन ईद मनाते हैं, यानी ईद कुर्बान, 10 ज़िलहिज्जा को ये आयत नाजिल हुई थी और हम तो उस दिन ईद मनाते ही हैं। दोनों रिवायतें बहरहाल इस रिवायत पे मजीद तबसरा करने का मकाम नहीं है, वरना मेरा लहजा शायद बदल जाए। सिर्फ रिवायत आपने सुन ली, रिवायत के दोनों वर्जन सुन लिए, अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इतना मुसल्लम है कि इस आयत के नुजूल पर अगर नस से मासूम न हो तब भी ईद मनाने का मौका चे जाए कि नस से मासूम, मासूम फरमा रहे हैं कि ईद है, सबसे बड़ी ईद है। अभी आप हजरात सब जानते हैं कि रोजे गदीर रोजा रखने का सवाब कितना है। रोजे गदीर मुस्तहब रोजा 120 साल के रोजों का सवाब, मुस्तहब वाजिब नहीं है, मुस्तहब, मगर 120 साल के रोजों का सवाल है इस एक बार। आगे बढ़ता हूं, ये जो मासूमीन के यहां कलिमात आते हैं, तवज्जो रखिएगा, ये नुक्ता शायद इस फकीर से पहले किसी से ना सुना हो। बहुत सी रिवायतें
जिनमें मासूम फरमा देते हैं कि ये अमल करो, इतने इतनी मुद्दत का सवाब मिलेगा। मुद्दत वक्त, रोजे गदीर रोजा रखो 120 साल के रोजों का सवाब मिलेगा। तवज्जो रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, गुफ्तगू मरबूत है, तसलसल जहन में रहे पहले जुमले से। या एक और रिवायत सुनते जाइए, रोजे गदीर भी ज्यारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शबे गदीर भी ज्यारत इमाम हुसैन मुस्तहब, ज्यारत अमीरुल मोमिनीन भी मुस्तहब। रोजे गदीर मुअज्जज़े जाहिर होते हैं कब्र मुबारक के अमीरुल मोमिनीन से, जिसकी रिवायत अपनों ने नहीं गैरों ने की है। बहुत मशहूर मुसन्निफ है अरबी जबान का, जिसकी किताब दुनिया की अक्सर बड़ी जबानों में ट्रांसलेट हो चुकी है, सफरनामा इब्ने बतूता। इब्ने बतूता 18 ईद गदीर को नजफ अशरफ में मौजूद था और उसने अपनी आंखों से मुअज्जज़े देखे, बीमारों को सेहत पाते हुए देखा, मालूलीन को सेहतयाब होते हुए देखा। ये मामूली रोज नहीं है। और अगर कोई कब्र मुतहर मुबारक के नजदीक नहीं है तो मायूस होने की जरूरत नहीं। जिस तरह जमाना और वक्त इनका महकूम है, उनके आगे न जमान की हकीकत है न मकान की हकीकत। थोड़ी कि अली वहां है हमसे बेखबर है, अली हाजिर है, अली नाजर है, अली बाखबर है। बड़ी बहसें करते हैं लोग, हाजिर और नाजिर हैं कि नहीं, हाजिर और नाजिर हैं, हाजिर और आप गायब हैं, वो गायब आप गायब, वो हाजिर हैं, वो नाजिर हैं, वो हाकिम। अल्लाह जिसे हाकिम बनाए, अल्लाह किसी गायब को हाकिम नहीं बना सकता। न उनके लिए जमान कोई मसला है, न उनके लिए मकान कोई मसला। जहां भी हैं आप, सिद्क दिल से देखिए, उस चीज से रिश्ता कायम कीजिए जो न जमानी है न मकानी। समझिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, आपका ये जिस्म, ये बदन, ये जमानी भी है मकानी भी। आपकी रूह न जमानी है न मकानी है, अली से रूहानी रिश्ता कायम, अली से रूहानी रिश्ता कायम कीजिए। वो भी ला जमानी ला मकानी, आपके पास एक चीज है ला जमानी ला मकानी, वो है आपकी रूह। रूहानी रिश्ता कायम कीजिए, जहां भी हैं आपकी मदद होगी। बहरहाल ये तो दरमियान मैंने अर्ज कर दिया, अर्ज जो कर रहा था कि ये जो रिवायात हैं, ये अमल करोगे 60 साल का सवाब, ये अमल करोगे। अब एक रिवायत एक उम्मुल मोमिनीन से है, हुजूर बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, इमाम हुसैन को आगोश में उठाया, प्यार किया, आंखों से आंसू जारी किए और फरमाया, वाकियात करबला की तरफ इशारा किया और फरमाया कि इसकी ज़ियारत को जो जाएगा उसे अल्लाह मेरे साथ हज करने का सवाब अता, मेरे साथ। सिर्फ हज, हुजूर के साथ हज करने का सवाब। अब सिर्फ मेरे साथ की तशरीह के लिए वक्त नहीं है, रसूल के साथ हज के मानी क्या थे, रसूल के साथ हज के मानी ये नहीं कि रसूल के कारवां में हो, सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहां बहुत गहरी बात है। बहुत से लोग रसूल के कारमा में थे, रसूल के साथ नहीं थे, थे कारमा में, साथ नहीं थे रसूल। रसूल फरमाने मेरे साथ हज करने का सवाब, उन्हें हैरत हुई, ताज्जुब लाहिक हुआ,
का आपके साथ हज का सवाब का एक नहीं दस हज का सवाब का दस हज का सवाब का नहीं दस नहीं बीस हज का सवाब उनकी हैरत बढ़ती गई पैगंबर की अता यहाँ तक की रिवायत है आपने फरमाया 1,20,000 हज का सवाब तवज्जो है बस यहाँ ठहर जाता हूँ यहाँ ठहर जाता हूँ इस तरह की जितनी रिवायतें हैं ये सवाब अता करने का हक सिर्फ उसी को हो सकता है वक्त जिसका महकूम सलावत पढ़ दीजिए महान जो है महकूमियत वक्त के मानी बस मैं तो लफ्ज कह के गुजर जाता हूँ और बहुत सी तफसीलात जहन में रह जाती हैं वक्त की महकूमियत के वक्त महकूम है कह दिया 120 साल तो वो 120 साल है ये मुबालिगा नहीं है दिलजोई नहीं है दिलजोई नहीं है मुबालिगा नहीं है कह दिया तो उसने कहा है कि जिसकी जबान कौले कुन फयकूनी की अमी अमानतदार है उसने कहा है जिसका इरादा इरादा कुन फयकूनी है उस वली ने कहा है जिसे विलायत तशरीया भी हासिल है विलायत तकवीनिया भी हासिल है उसने कहा है कि जिसकी बेटी अगर कह दे कि बेटा तुम्हारा लिबास रिजवान लेकर आ रहे हैं तो रिजवान लेकर आता है अगर वो नबी कह दे कि 120 साल का सवाब है फिर 120 साल का सवाब तवज्जो है इस यकीन को बात ये गुमान नहीं है हुस्न ज़न नहीं है यकीन और बस अब इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं वक्त इनका महकूम है तो महकूम से काम कैसे लिया जाता है यहां पर महफिल के बाद आप हजरात से गुजारिश है कि आप मेरे वालिद मरहूम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद सिद्दीक़ हसन रज़वी मरहूम मक़बूर के लिए ज़रूर दुआ फरमाइएगा और इसारे थवाब के लिए सूरह हम्द हदिया फरमाइएगा अब जो नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ उनका नुक्ता है उनसे पहले किसी की ज़बान पे नहीं आया उनका नुक्ता है गदीर की तफसीर में कब पैगंबर ने ऐलान किया मन कोई तो मौला फहादा अलीन मौला और उसके बाद ऐलान करके फौरन आगे नहीं बढ़ते जुज़ियात आप सबको याद है फिर सुन लीजिए हुजूर ने कारवां रोका जिब्राइल के कहने पे रोका उसके बाद कहा जितने आगे बढ़ गए हैं इन्हें पीछे बुलाओ ये नहीं कि जो बढ़ गया जाने दो तवज्जो जो बढ़ गया उसे जाने दो नहीं जो बढ़ गया पीछे बुलाओ जो पीछे रह गया उसका इंतजार करो अच्छा दो चार दस लोग साथ में हो आगे पीछे हो जाएं तो इंतजार में कितना वक्त लगता है 50-100 लोग साथ में हो कितना वक्त लगता है 1,00,000 से ज्यादा मजमा है 1,50,000 के करीब मजमा है पूरे हदूद इस्लाम में जितने मुसलमान थे वो हुजूर के साथ हज में तशरीफ लाए वो सब जितने आगे बढ़ गए पीछे बुलाओ जो पीछे रह गए इंतजार करो कितना वक्त लगा होगा सिर्फ इस एहतमाम में तवज्जो है मेंबर सजाओ ऐलान करो ऐलान हुआ उसके बाद एक खैमा नस्ब किया गया और फरमाया एहतमाम ऐलान से पहले ये हुआ कि अपने सर मुबारक से अमामा उतारा उस अमामे को दोपारा किया उसका एक हिस्सा अपने सर मुबारक पे एक हिस्सा अली के सर उस अमामे का नाम सहाब है
अमामे का नाम सहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस सीरत ये थी कि आप अपनी हर चीज का नाम रखते थे, हर चीज का एक नाम रख देते थे। तलवार का नाम रखते थे, घोड़े का नाम रखते थे, अमामे का पारचा उसका एक नाम होता था, नाम लेके पुकारते थे, फला चीज ले आओ। तवज्जो है, वो अमामा जिसका नाम सहाब था उसे सर मुबारक अमीरुल मोमिनीन पर बांधा, उसके बाद कजावे के मेंबर पे तशरीफ ले गए, ऐलान किया। खुतबा तवील खुतबा है, मामूली खुतबा नहीं है। इसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ आपके सामने कि फर्ज कीजिए ऐलान बड़े एहतमाम से हो कि फला खतीब आएंगे मजलिस पढ़ेंगे और दूर दूर से लोग आए, इसी खाली लंदन भर से ईस्ट और वेस्ट और साउथ और नॉर्थ आ जाए, और उसके बाद वो खतीब मेंबर पे जाए और एक जुमला कह के उतर आए, मजमे पे क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी? ये मुमकिन नहीं है, माकूल नहीं है। पैगंबर ने इतने बड़े मजमे को रोका है तो सिर्फ एक जुमला नहीं कहा था, एक तवील खुतबा है। हुजूर की हयात तय्यबा का तवील तरीन खुतबात में से एक खुतबा वो है जो मैदान गदीर में आपने इरशाद फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद फिर हुक्म दिया कि सल्लमु अला अलीन बिइम्रतिल मुमिनीन, अली इब्न अबी तालिब को सब लोग फर्दन फर्दन जाकर अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन कहकर सलाम करें और बैत करें। तवज्जो है, सलाम करें और बैत करें। इस सलाम करने और बैत करने में मर्द भी मामूर थे, औरतें भी। नफ्स तारीख है, नफ्स रिवायत है, तमाम मर्दों ने जाकर सलाम किया बैत की, तमाम औरतों ने जाकर सलाम किया बैत की। तवज्जो है, इसमें कितना वक्त लगा होगा। इसीलिए रिवायतों में है कि एक दिन में ये माजरा अंजाम तक नहीं पहुंचा, तीन दिन कयाम फरमाया मैदान गदीर में। यहां पर वालिद माजिद मरहूम मकबूर का जुमला है, फरमाते थे कि रसूल ने उस बयाबान में तीन दिन तीन रात इसलिए कयाम फरमाया कि उस जमाने में अरब में फासले कदम कदम नपे हुए होते थे। मालूम था लोगों को कि मक्के से कारवां किस तारीख में चलेगा, किस तारीख में मदीने पहुंचेगा, मक्के से किस तारीख में हाजी चलेगा, ताइफ किस तारीख में पहुंचेगा, मक्के से किस तारीख में चलेगा, यमन किस तारीख पहुंचेगा, मक्के से कब चलेगा हाजी, बहरीन कब पहुंचेगा। उसी एतबार से हाजी के इस्तकबाल में शहर से बाहर निकल आते थे। ये तीन दिन पैगंबर ने रोक कर हाजियों को सिर्फ मैदान गदीर में जमा नहीं किया, पूरा आलम इस्लाम दो कदमों पे खड़ा है। हम तन इंतजार सब मुंतजर हैं और जैसे जैसे देर हो रही है परेशानी बढ़ रही है। हाजी क्यों नहीं आए? कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई मसला तो नहीं हो गया, कोई हलाकत तो नहीं हो गई, कोई जलजला तो नहीं आ गया, हाजी क्यों नहीं आए? सुबह का शाम भूला, शाम तक आ जाए तब भी इत्मीनान हो जाता है। नहीं, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, दूसरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई। तवज्जो रहे, पैगंबर ने वक्त से वो काम लिया है जो दुनिया में कोई रहबर और लीडर आज तक न ले सका। आज इशाअत के लिए आपके पास टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, तमाम वसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब कुछ है। आज अगर कोई ऐलान होना हो पूरी दुनिया में तो बहुत आसान है, मगर खातमुन नबीयीन, एक तरफ है खातमुन नबीयीन और दूसरी तरफ कोई वसीला नहीं उनके पास, जाहिरी प्रेस मौजूद नहीं है, उस वक्त रेडियो मौजूद नहीं है, उस वक्त टेलीविजन मौजूद नहीं है, उस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं है, और पैगाम वो है जो कयामत तक के मुसलमानों के लिए है। और ये मैंने जुमला गलत कहा कि कयामत तक के मुसलमानों के लिए है, कयामत तक के इंसानों के लिए है, कयामत तक बाकी रहने वाली पूरी कायनात के लिए है। इसलिए कम से कम हर हर फर्द बशर तक ये पैगाम पहुंचना है और
सामने तो बस वही हैं जो हज के लिए आए, इसलिए तीन दिन रोका। तीन दिन के बाद जो जाएगा उससे पहला सवाल ये होगा, देर क्यों हुई? जवाब इसके अलावा कोई है नहीं कि पैगंबर ने रोका था। नहीं, पैगंबर ने रोका था तो क्यों रोका था? का मन कौन तो मौला साथ।